नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ए न्यू व्लॉग। इस व्लॉग में आपको दिखाने वाला हूँ मेघालय का पूरा टूर। अभी मैं हूँ हावड़ा स्टेशन पे, पीछे में मेरा एक लाउंज आप देख रहे होंगे और ये लाउंज में आपको पर आवर 50 रुपये लगेंगे पर पर्सन। यहाँ पे भी आके आप रुक सकते हैं। आज कोई बात था तो हम लोग जल्दी यहाँ पे हावड़ा स्टेशन पे पहुँच चुके हैं और सरायघाट एक्सप्रेस से हम लोग जाने वाले हैं गुवाहाटी तक। वहाँ से हम लोग शिलोंग जाएंगे, पर उसके पहले हम लोग कामाख्या टेम्पल वगैरह और कुछ कुछ ज़्यादा साइट सीइंग करेंगे। मेरे साथ बने रहिएगा, बहुत ही मज़ेदार ब्लॉग होने वाला है। तो दोस्तों, अभी हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं सरायघाट ट्रेन पकड़ने के लिए और ये प्लेटफॉर्म नंबर 9 पे ही आती है ज़्यादातर। फाइनली हमारी ट्रिप स्टार्ट हो चुकी है। ये मेरा दोस्त यहाँ पे स्टार्ट कर दिया अपना मोबाइल देखना। ये देख सकते हैं यहाँ मेरे और सब फ्रेंड्स भी हैं। चलो हाय बोलो व्लॉग में। अनु, अच्छा अनु तो बिजी है पर फिर भी कोई बात नहीं। सौरभ और ये भी ब्लॉगिंग कर रही है साथ में, ब्लॉगिंग पार्टनर हैं। आगे चलते चलते आपको और दिखाया जाएगा नज़ारा, यहाँ पे और अच्छा आते जाएगा। वैसे एक चीज़ ट्रेन की मुझे ये अच्छी लगी कि इसमें साफ़ सुथरा सब कुछ है। अगर बाथरूम देखा जाए या आप यहाँ पे फर्श देखेंगे वो भी बहुत साफ़ सुथरा है। अगर आपको लग रहा है मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप लोग मेरे फ्रेंड से पूछ सकते हैं। बहुत ही अच्छा है। और अभी प्रीति हमारी जो है, मतलब प्रियंका दीदी, उसको प्रीति अंकल बोलते हैं उनको, ये भी यहाँ पे अभी अपना आस्ते आस्ते व्लॉगिंग कर रही है। हाय के अलावा कुछ बोलिए। हाय के अलावा कुछ बोलने के लिए बोले तो हाय बोलिए। जा रहे हैं अभी तो बोलने का कुछ, जब पहुंच जाएंगे तो एक्साइटेड होंगे और मैं आपको बोलेंगे। पहुंच जाएंगे तब एक्साइटेड होंगी, अभी एक्साइटेड नहीं है। अभी हम लोग यहाँ पे चिप्स लिए थे, एक ये चिप्स आपका 30 रुपये का है। 30 रुपये में तो लग रहा है कि 20 रुपये खाली हवा का है और 10 रुपये का है चिप्स है। क्योंकि देखिए एक बार चिप्स दिखा दे अच्छे से आएगा कितना बड़ा है। ये देखिए है। तो अभी शाम के ठीक 6:05 हो गए हैं और यहाँ पे स्टेशन रुक गया है भेड़िया वाले स्टेशन पे। मतलब स्टेशन का नाम है भेड़िया, आप ऐसा समझ कि भेड़िया स्टेशन तो रोक दिया है। और यहाँ पे सब लोग अभी खा रहे हैं इवनिंग स्नैक्स। और फ्रीज लास्ट टाइम हाय बोली थी, इस बार क्या बोलिएगा? बाय बोलिए। तो अभी रात को 9:15 हो गए हैं पर फिर भी लोगों का कॉन्फिडेंस बहुत तेज है। आप देख सकते हैं यहाँ पे काटी रात मैंने बिताई नहीं। अच्छा नहीं, ये देख सकते हैं यहाँ पे ये लोग भी इंजॉय करते हुए सब अपने अपने जगह ले लिया है। अपने आज खाना जल्दी खा लिया गया है क्योंकि ट्रेन का टाइम है, इसीलिए सबको समझ में नहीं आ रहा। यहाँ पे अंकित भी मेरे साथ हमेशा बैठा रहता है, आप देखते होंगे अपने वीडियो में। तो दोस्तों, हम लोग अभी फाइनली गुवाहाटी स्टेशन पे पहुँच चुके हैं। यहाँ से हम लोग जाने वाले हैं कामाख्या टेम्पल। मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम गुवाहाटी आया हूँ स्टेशन पे और ये देख सकते हैं बहुत ही क्लीन स्टेशन है। तो अभी गाड़ी में चलते चलते एक जगह ऐसा आया जहाँ पे ब्रह्मपुत्र रिवर दिख रहा था, तो साइड से दिख रहा है। हम लोग यहाँ पे साइड से पैदल होके थोड़ा दूर तक दिखा रहे हैं। अंडर कंस्ट्रक्शन ब्रिज है ठीक मेरे पीछे, आप देख सकते होंगे अंडर कंस्ट्रक्शन ब्रिज है, इसलिए ज़्यादा पास नहीं जा सकते हम लोग। पर आपको मैं दिखाता हूँ, थोड़ा सा कोशिश करता हूँ थोड़ा पास से दिखाने के लिए कि ब्रह्मपुत्र रिवर कैसा दिखता है। तो दोस्तों, अभी हम लोग आए हैं कामाख्या टेम्पल के ठीक पास में। अभी हम लोग सीढ़ी चढ़ के जाने वाले हैं, पर यहाँ पे जब भी आप आइएगा तो यहाँ पे आप रूम ले सकते हैं फ्रेश फ्रेश होने के लिए 100 रुपया पर पर्सन 1 घंटा के लिए, और इससे भी कम हो जाएगा अगर वहाँ से आप प्रसादी वगैरह लेते हैं तो। ये देख सकते हैं ये यहाँ पे आप प्राइवेटली ट्रांसपोर्ट भी लेके आ सकते हैं बुक करा के, यहाँ पे आपको प्रसाद वगैरह मिल जाएगा। और ठीक अभी यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं जहाँ पे सीढ़ी है कामाख्या टेम्पल का, तो वहाँ पे अभी हम लोग चढ़ने जा रहे हैं, आपको आगे मैं दिखाऊंगा। तो आप जब यहाँ पे आएंगे कामाख्या देवी टेम्पल में, पास ही में आपको एक फ्री टोकन मिलता है। ये काउंटर है फ्री टोकन का, पर पर्सन को एक एक टोकन मिलता है, आपको जाके कलेक्ट करना होगा, उसके बाद ही आप एंटर कर पाएंगे दर्शन लेने के लिए। यहाँ पे आने के बाद आपको जब टोकन लिया जाएगा तो टोकन में आपको एक बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगा। पीछे आप देख सकते हैं सबका फोटो यहाँ पे खींचते हैं लोग, उसके बाद आपको अंदर घुसने का मौका मिलेगा। एक्सपेक्टेड दर्शन टाइम भी दिया हुआ है, अभी शायद 1:30 का अराउंड अभी शायद टाइम हो रहा है और अभी आपका दर्शन टाइम दिया हुआ है यहाँ पे 5 बजे। पे हमने अभी प्रसाद ले लिया है, ये प्रसाद का दाम आपको कम पड़ेगा अगर आप मंदिर के पास से लेंगे तो। जनरल क्यों जहां से नेगोशिएट करना पड़ेगा, तो नेगोशिएट करके आप कर लीजिए नारियल 40 रुपये 30 रुपये करके दे देंगे। तो दोस्तों, जब आप यहाँ पे आएंगे कामाख्या टेम्पल के अंदर तो आपको ऐसे ही नेट वाले जगह में घुसना पड़ेगा जहाँ पे लाइन के साथ साथ आपको बैठने की साइड में जगह दी जाएगी और ये लाइन को ब्रेक कर करके उसके बाद छोड़ा जाएगा। तब तक आप थक ना जाएं, उसके लिए बैठने की जगह बनाई हुई साइड साइड में। भीड़ नॉर्मल में बहुत रहता है, अभी थोड़ा कम भीड़ है। तो यहाँ पे अभी हम लोग चल रहे हैं, चलते चलते लग रहा है अभी लाइन बड़ा है थोड़ा, कि वहाँ थोड़ा बीच बीच में आपको रुकना पड़ेगा। लाइन तो उतना नहीं है लेकिन अच्छे से दर्शन हो रहा है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। बीच बीच में आपको पानी वाले लोग भी मिलेंगे, आपको 10 या 15 रुपये में पानी मिल जाएगा साइड साइड में, आप पी सकते हैं।
दोस्तों ठीक मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये कामाख्या देवी का मंदिर है। अंदर में फोटो अलाउड नहीं है पर बाहर में लोग फोटो वगैरह ले रहे हैं। तो आप देख सकते होंगे ये इनका गुंबज है, गुंबज की एक अलग स्टोरी है, मैं इनको कन्फर्म करके बताऊँगा। ये के पीछे बलि के लिए लोग ले कर जा रहे हैं यहाँ पर। तो दोस्तों हम लोगों ने फाइनली दर्शन खत्म कर लिया है। मैं एक बार पूछना चाहूँगा जो लोग यहाँ पे फर्स्ट टाइम दर्शन करने आए थे, मतलब मैं भी फर्स्ट टाइम दर्शन करने आया था, पर मैं पूछना चाहूँगा एक्सपीरियंस कैसा रहा, कैसा रहा एक्सपीरियंस? मस्त, बहुत ही अच्छा रहा एक्चुअली। मैंने कभी देखा नहीं था, मतलब फिजिकली भी नहीं देखा था और वीडियो में भी नहीं देखा था। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत सही था, ये पहला बार था और जो मैंने सुना था कि बहुत टाइम लगती है यहाँ पे, लेकिन हम लोग को उतना टाइम नहीं लगा, तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। वीआईपी लेने का जरूरत नहीं है। हाँ, वीआईपी लेने का जरूरत नहीं है। और मैं बोल दे रहा हूँ कि अगर आप वीकडेज में आते हैं तो वीआईपी लेने की कोई जरूरत नहीं, वीकेंड में आते हैं तो आप वीआईपी लेके आ सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है जैसा मतलब सुनने को मिला। ऐसा लगा आपको? ये ज़्यादा बोलती नहीं, हंसती ज़्यादा है। अंजलि, बहुत बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। ये कुंड जो आप देख रहे हैं ये कामाख्या देवी टेंपल में ही मिल पाया जाएगा, यहाँ पे भी आप आ सकते हैं। इसका मेरे को स्पेशलिटी नहीं पता, मैं आपको डाल दूंगा कि क्या चीज़ के लिए फेमस है, पर यहाँ पे भी लोग आ रहे हैं। ये का जगह थोड़ा आपको ढूंढने मुश्किल हो सकता है, ये अंदर नीचे की तरफ जाना पड़ता है थोड़ा अंदर में। दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे प्रसाद ही लिया था, घर लेके जाएंगे, पर ये देखिए ये बंदे ने हमारा प्रसाद ले लिया। ठीक, अभी हम लोग यहाँ पे रुके थे, गाड़ी को यहाँ पे रुकवाया था साइड में, क्योंकि बहुत ही अच्छा व्यू आया है यहाँ पे, फोटो वोटो लिए हैं, काफ़ी अच्छा व्यू लग रहा है यहाँ से, सब कुछ स्टेडियम रोड वगैरह सब कुछ अच्छा दिखाई पड़ रहा है। तो दोस्तों अभी हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं शिलोंग के लिए। अभी हम लोग पार्किंग लॉट में आ चुके हैं, लोग फ्रेश फ्रेश हो रहे हैं थोड़ा वॉशरूम वगैरह, पर यहाँ से हम लोग जाएंगे सीधा शिलोंग की तरफ, वहाँ पर एक ढाबा के लिए रुकेंगे, क्योंकि सुबह से हमने कुछ नहीं खाया, सिर्फ नॉर्मल स्नैक्स वगैरह हुआ है, क्योंकि दर्शन के लिए खाली पेट ही आना पड़ता है ज़्यादा। ये करने के बाद मैं आपको सेकंड ब्लॉग में दिखाऊंगा कि हम लोग कहाँ कहाँ जाने वाले हैं शिलोंग।